ये देखो यहाँ पे आधी कटी हुई डिफेंडर खड़ी हुई है। देखो भाई पूरी कटी हुई है। और ये देखो रोल्स रॉयस काट रखी है यार। डिफेंडर 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 लिटरली 3.5 लाख रुपए में मिल रही है आपको। ये देखो यार कितनी सारी एलसी खड़ी है यहाँ पे। एक्सीडेंटल है, आप देख सकते हो शीशा वीशा सब टूटा हुआ है आगे से। आधी बेंटले काट रखी है बीच में से। फरारी भी आधी कटी हुई है यार। ये क्या सीन है, क्या लोग है ये। फरारी बेंटले सब आधी आधी काट रखी है यार। यहाँ कितने लोगों के सपने जो है वो चूर चूर हो रखे हैं। ऊपर भी जी वैगन लगा रखी है, फिर रैप्टर ब्रोंको। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं हूँ एशिया के सबसे बड़े स्क्रैप मार्केट में। मैंने आपको दिल्ली वाला मायापुरी का मार्केट बहुत बार दिखाया है, मैंने वहां से जाके गाड़ियों का सामान खरीदा है तो आपके साथ में शेयर भी किया है। बट आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, उसका लेवल देख के आप खुद शॉक हो जाओगे। आपके लिए ना एक छोटा सा नमूना है, जरा मेरे पीछे देखो भाई। डिफेंडर 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 डिफेंडर, और वो देखो उधर आधी कटी हुई डिफेंडर पड़ी है फ्रंट से। भाई यहाँ पे गाड़ियां देख के ना मेरा लिटरली दिमाग घूम गया है। मायापुरी में आप जाओगे तो आपको घुसने की जगह नहीं मिलती, और यहाँ पे गाड़ियां ही गाड़ियां होने के बाद भी आप आराम से यहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को निहार सकते हो। एक से एक तगड़ी गाड़ियां आपको यहाँ पे बीच में से आधी कटी हुई टूटी फूटी एक्सीडेंटल मिल जाएगी। तो चलो आज आपको यही मार्केट दिखाते हैं। तो स्टार्ट हम लोग इसी शॉप से करते हैं। ये जो पर्टिकुलर शॉप है ना, ये रेंज रोवर की, आपको यहाँ पे रेंज रोवर की गाड़ियां ज्यादा नजर आएगी। और यहाँ पे ना ऐसा ही सीन है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंदर जाके एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हुई है। अब मैं रेंज रोवर का बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेंज रोवर का शोरूम है या रेंज रोवर की तरफ से। बेसिकली कहने का मतलब ये कि एक जो शॉप आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको रेंज रोवर की गाड़ियों का सामान ज्यादा मिलेगा। जैसे ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ डिफेंडर देख सकते हो, उधर देखो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पोर्शा खड़ी हुई है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैडिलैक्स ही कैडिलैक्स नजर आएंगी। ये देखो यहाँ पे आधी कटी हुई डिफेंडर खड़ी हुई है। और सोने पे सुहागा पता है क्या है, ये राइट हैंड ड्राइव है। एक बार ना मैं आपको जरा साइड से जाके दिखा देती हूँ। देखो भाई पूरी कटी हुई है, सिर्फ फ्रंट पोर्शन है, स्टेयरिंग के आगे वाला पोर्शन ही आपको मिलेगा। और वो देखो ये वाला पीछे वाला पोर्शन है, पीछे पीछे वाला पोर्शन है, सिर्फ आपको सिर्फ दो रोज मिलेगी। आगे से पूरी उड़ी हुई है, यहाँ पे फ्रंट रो ही नहीं है। ऐसा नहीं है एक दो ही है, एक डिफेंडर, दो डिफेंडर, तीन डिफेंडर, चार डिफेंडर, पाँच, छः, और वहाँ तो पता नहीं कितनी खड़ी हुई है यार। मैंने ना वैसे ही रेट पता किए, तो अगर इसका डैशबोर्ड किसी को चाहिए तो सिर्फ 2000 दिरहम का डैशबोर्ड है यहाँ पे। ये देखो यार रेंज रोवर वॉक खड़ी है यहाँ पे, कितना प्रीमियम इंटीरियर है, बट कोई यूज़ का नहीं है इसमें, तो चीज़ें खुल खुल के यूज़ होगी अब। और यार ऐसा नहीं है कि अगर आप दुबई के स्क्रैप मार्केट आते हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट एंड ड्राइव ही मिलेगी, यहाँ पे आपको राइट एंड ड्राइव गाड़ियाँ भी मिल जाती है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे स्क्रैप पूरे वर्ल्ड से आता है, तो कब क्या मिल जाए इसका नहीं पता यार। ये ना शॉपकीपर का कार्ड है, यहाँ पे नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। लैंड रोवर और जैगुआर के आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप में से किसी को चाहिए इंडिया से कोई भी चीज़, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, मैं खुद यहाँ पे एक्सप्लोर करने आई हूँ। बट कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप खुद से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल कुछ नहीं हूँ, सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका ही नहीं, आगे जितनी भी दुकानें आपको दिखाऊंगी ना, सबके कार्ड आपको दिखा दूंगी कि किसी को भी कोई चीज़ चाहिए तो खुद से कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हो। यार देखो यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स है, मैं फटाफट करके ना आपको एक एक शॉप दिखाती हूँ। यार आपको ये सब कुछ देख के ना बहुत मजा आने वाला, तो वीडियो में ना बने रहना। ये देखो यार ये सारा ना ह्युंडई और किया गया, यहाँ पे आपको सब कुछ किया और ह्युंडई का मिलेगा। यहाँ पे तो हम आके रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे जी वैगन दिख गई मुझे। चलो अंदर चलते हैं, जाके पता करते हैं क्या चीज़ है, इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है वो क्या मिल रहा है। और एक भी नहीं, यहाँ पे दो दो जी वैगन खड़ी है, और यहाँ से एक दो तो कुछ भी नहीं है, हजारों मिल जाएगी ऐसी। ये ना आगे से यहाँ से लगी हुई है, तो जो बंदा है ना वो पीछे का सारा सामान ले सकता है, दरवाजे, टेल गेट, टेल लैम्प्स, अलॉयज वगैरह सब कुछ यूज हो सकता है। और भाई अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई ना, तो आपको ये ब्राबस किट लगी हुई भी मिल जाएगी। यार मतलब जी वैगन है, दुख भी हो रहा है, पर वैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि अंदर से देखो यार पूरी डिसमेंटल हो रखी है। मेनली क्या होता है, लोग पूरी पूरी गाड़ियां नहीं खरीदते, इनके जो पार्ट्स है ना एक्सीडेंटल होने के बाद, वो सारे पार्ट्स निकाल निकाल के सेल कर दिए जाते हैं। जी वैगन का डोर पड़ा हुआ है, ये इस साइड से ना पूरी हिट हुई है, तो इधर से लगा हुआ है देखो। और वैसे ना ये मेनली मर्सिडीज की शॉप है, मर्सिडीज की गाड़ियां आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। मर्सिडीज का कुछ चाहिए तो ये लो कार्ड, यहाँ से आप नंबर पिक कर सकते हो, और अगर कुछ चाहिए तो कॉन्टैक्ट करके खुद पता कर लो। ये देखो यार कितनी सारी एलसी खड़ी है, यहाँ पे एलसी का पूरा शेल पड़ा हुआ है। ये जो शॉप है ना, ये पर्टिकुलरली लेक्सस और टोयोटा की है। यहाँ पे देख सकते हो यार, पहले तो मैंने आपको लैंड क्रूजर्स बहुत सारी दिखा दी है। ये देखो कितने प्यार से यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह कितने ऑर्गेनाइज तरीके से टांग रखी है। और ये ही नहीं, मतलब आप जहाँ तक नजरें घुमाओगे पीछे तक आपको सिर्फ यही दो ब्रांड्स की चीज़ें मिलेगी। यार ये देखो हमें एक लग्जरी स्पेयर पार्ट की शॉप मिल गई है, यहाँ पे बेंटली फरारी सब कुछ है। अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती है। ये देखो यार आधी बेंटली काट रखी है बीच में से, सिर्फ फ्रंट हाफ आपको यहाँ पे दिखेगा। डैशबोर्ड भी मिसिंग है, स्टेयरिंग भी मिसिंग है। यार ये देखो ये फरारी भी आधी कटी हुई है यार। ये क्या सीन है, क्या लोग है ये। फरारी बेंटले सब आधी आधी काट रखी है।
ओ यार ये देखो रोल्स रॉयस V12 इंजन भाई, दर्शन कर लिए इसके, तीर्थ हो गया हमारा तो। भाई इसका कलर लिटरली इतना प्यारा कलर है, और ये देखो रोल्स रॉयस काट रखी है यार। ये जो रोल्स रॉयस का आगे वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, उसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो रोल्स रॉयस वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ आपको कटी हुई दिखाई ना, ये बाहर से कट के ही आती है, इन्होंने नहीं काटी है। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 1,000? 100,050. ओके, 1,50,000 यू मीन्स, 1,50,000 दिरहम। व्हाट्स द प्राइस फॉर द इंजन? 50,000 दिरहम्स। ओके, द इंजन इज़ फॉर 50,000 दिरहम, बट इफ़ यू डू नॉट परचेज द इंजन, मतलब आप लोग इंजन अगर परचेज नहीं करते हो, सिर्फ आपको ये शेल शेल चाहिए बिना इंजन के, तो 1,50,000 दिरहम का ये पूरा पार्ट है बिना इंजन के। 1,50,000 दिरहम की ही वो पीछे वाली बॉडी है, बट इंजन परचेज करना है तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 दिरहम और देने पड़ेंगे। तो टोटल हो गया 3,50,000 दिरहम में ये और वो पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। बट अगर हम इसके इंजन की प्राइसिंग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो 11.5 लाख रुपए का V12 इंजन तो डेफिनेटली बहुत सस्ता है। और यार इवन अगर आप इसका इंजन देखोगे तो बिल्कुल ही नया पड़ा है। आप शोरूम में जाके बोनट हटा के गाड़ी का इंजन देखोगे और इसको देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, इतना नया पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना आपने देखा होगा मेजर गाड़ियां बीच में से आधी कटी होती है, ये बाहर से ही कटी हुई आती है। शायद दो रीजन है, एक तो परमिट का कि अलाउड नहीं होता पूरी गाड़ी भेजना, और दूसरी चीज ये कि काफी सस्ती पड़ जाती है गाड़ी आधी काटने के बाद। जो कार्ड है ना, ये उसी शॉप का कार्ड है जहाँ से अभी हम बाहर आए हैं, जहाँ पे आपको रोल्स रॉयस दिखाई थी। ये देखो यहाँ पे ना आपको जीप की सारी गाड़ियां मिलेगी। ये देखो यार यहाँ पे आधी जीप वैगन खड़ी है, ये आधी भी नहीं, इंजन वगैरह कुछ नहीं है, खोखली है बिल्कुल। यार एक चीज की ना काबिले तारीफ है, यहाँ पे हजारों दुकानें आपको दिखेगी, बट हर एक दुकान इतनी अच्छे से मेंटेन्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई शॉपिंग मॉल में आई हूँ। कहीं पे भी कचरा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है सब कुछ। तो जेन्युइनली इस चीज को लेके तो ना एक थम्स अप है, अप्रिशिएबल है ये तो। और ये देखो यहाँ पे आपको ऑडी की बहुत सारी गाड़ियां दिखेगी, ये ना ऑडी की स्पेयर पार्ट वाला शॉप है भाई। ये वाली पूरी पोर्शे की वर्कशॉप है, जो भी यूट्यूबर्स करंटली पोर्शे खरीद रहे हैं गाइज यहाँ पे आ जाना, ये आपके लिए जन्नत है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में सिर्फ लग्जरी कार्स ही मिलेगी, फोर्ड, निसान, रेनो, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, छोटे से लेकर बड़ा हर एक ब्रांड है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक और रेंज रोवर की दुकान है, यहाँ पे भी डिफेंडर खड़ी हुई है। जो स्क्रैप मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं, इसके दर्शन हमें अबू भाई ने कराए, ये हमें लेके आए हैं, थैंक यू सो मच इस जन्नत में हमें लाने के लिए। लिटरली मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया ये जगह देख के। और इनका भी चैनल है मैजिशियन मोटर नाम से, इन्होंने यही स्क्रैप मार्केट एक्सप्लोर करके वहां पे भी दिखाए हुए हैं, तो प्लीज जाके इनका चैनल भी देखिए आप। यार ये देखो यहाँ पे नई नवेली एस क्लास खड़ी है ओल्ड शेप की। यार यहाँ पे ना पोर्शे और लेक्सस के अलावा पूरी पूरी लैंड क्रूजर्स भी खड़ी हुई है। यार यहाँ पे ना ये देखो डॉज खड़ी है, डॉज अपने इंडिया में आती नहीं है, डॉज चार्जर, डॉज चैलेंजर, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये। और एक ये यहाँ पे देखो ये डिफेंडर खड़ी हुई है, पूरी की पूरी डिफेंडर है, बट ये एक्सीडेंटल है, आप देख सकते हो शीशा विशा सब टूटा हुआ है आगे से। यहाँ पे आपको जो गाड़ी चाहिए वो मिलेगी, हर एक गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिलेंगे, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट, इवन लेफ्ट एंड ड्राइव, राइट एंड ड्राइव सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ना मैं आपको फोर्ड की भी स्पेयर पार्ट वाली शॉप दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको रेप्टर वगैरह सब कुछ दिखेगी। जो नई इंडिया में आने वाली एवरेस्ट है, मतलब नई वाली हमारी एंडेवर है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये देखो यार यहाँ पे रैप्टर, ब्रोंको सब कुछ अवेलेबल है। देखो कितने दरवाजे वगैरह पड़े हैं, और यहाँ पे पूरी पूरी गाड़ियां ऐसे पड़ी हुई है जैसे कपड़े टांग रखे हो। सामने अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मुझे मर्सिडीज की कार्स दिख रही है, तो आपको चलो मैं ना दिखाती हूँ। ये देखो यार यहाँ पे नई वाली एस क्लास खड़ी हुई है, इसका सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लाइटे, बम्पर, ग्रिल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे अलॉयज भी देखो यार कितने सारे हैं, हर एक गाड़ी के अलॉयज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और वो भी यार OEM होते हैं, फेक नहीं होते हैं। जैसे मर्सिडीज की शॉप है तो यहाँ पे आपको मर्सिडीज के सारे अलॉयज मिल जाएंगे, जैसे जी वैगन का भी पड़ा हुआ है। आ जाओ आपको एक और जन्नत भरी शॉप दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको हमर ही हमर दिखेगी। जब मैं छोटी होती थी ना, ये मेरी ड्रीम कार थी, मतलब आज भी है, मेरे को लगता है आधी से ज्यादा गाड़ियाँ मेरी ड्रीम कार है, मुझे पता है कमेंट भी आएगा, मैं पहले खुद ही कह देती हूँ। तो ये देखो हमर H3, एक्चुअली ना मुझे हमर H2 ज्यादा पसंद है, क्योंकि H2 जो है ना वो H3 से ज्यादा बड़ी है, तो इसीलिए दिखाते हैं आपको आगे चल के यहाँ पे क्या क्या है। और इवन ये देख भी लो, H2 यहाँ पे खड़ी हुई है, कितनी बड़ी है, H3 देख लो, H2 H3 से बहुत बड़ी है भाई। यहाँ पे ना मतलब
गिनने बैठो ना तो गिनने में टाइम लग जाएगा, इतनी हमर है। और ये देखो यार कैसे सेकंड फ्लोर बना के इनको खड़ा कर रखा है, ये येलो वाली, देन ये जो ब्राउन सा कलर है वैसा, रेडिश मैरून सा वो भी है, और ये देखो हमर 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 ही हमर है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो हमर एच3 खड़ी है ना, ये सेल के लिए स्क्रैप में। तो अगर मैं इसका प्राइस आपको बताऊंगी ना, आपका दिमाग हिल जाएगा देख के भाई। ये लिटरली इंडिया की 3.5 लाख रुपए में मिल रही है आपको स्क्रैप में, 3.5 लाख रुपए में ये गाड़ी, क्या चाहिए और। अब ये जो है ये तो स्क्रैप वाली है, वो अलग चीज़ है। अगर आपको थोड़ी साफ चाहिए तो 20,000-25,000 दिरहम में आपको आराम से मिल जाएगी। 20,000 दिरहम लगभग 5 लाख के करीब हो गए, सोच के देखो हमर भाई 5 लाख रुपए में। और ये जो कार्ड है ये यार, ये हमर वाली भैया का नंबर है, अगर हमर से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो ये नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह आई हुई हूँ, चारों तरफ गाड़ियाँ और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, और तीसरी चीज आसमान नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेंगलर खड़ी हुई है, और ना आपको एक मस्त सी बेंटले दिखाती हुई इधर आओ, और रास्ते में चलते चलते आप इतने मजराती भी देख सकते हो। जो देखने वाली चीज है वो है ये बेंटले, इसकी छत छत पूरी उड़ी पड़ी है, एकदम खुली खुली है, आराम से हवा का पूरा इंजॉय करते हुए आप इसमें जा सकते हो। एक बार कन्वर्ट करी थी किसी ने, फिर परमानेंटली कन्वर्ट हो गई है। यार एक और जन्नत वाली जगह आपको दिखाती हूँ, ये देखो स्टार्टिंग पे ही यहाँ पे ओल्ड वाली जी वैगन खड़ी हुई है। चल के आपको दिखाती हूँ, लाइन से 5 जी वैगन खड़ी हुई है। और यही नहीं है यार, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, अगर रिकॉर्ड करने के लिए पूछो ना तो बोल देते हैं कि हाँ कर लो, मना नहीं करते। और ये देखो यार, यहाँ कितने लोगों के सपने जो है वो चूर चूर हो रखे हैं, देखो हालत देख लो भाई जी वैगन की। और एक बार ना इसका इंटीरियर देखो, बिल्कुल न्यू शेप वाली जी वैगन है, बट ये साइड से भी हिट हुई है और फ्रंट से भी हिट हुई है, तो यार क्या ही कर सकते हैं, मतलब दुख हो रहा है ये सब देख के, क्योंकि शायद नई नवेली ही थी, बट जो भी आप कुछ कर नहीं सकते। ये देखो दोनों आपको जी वैगन सही सही सी दिख रही है ना, एक बार ये देख लो भाई, आगे से जी वैगन ही नहीं है गॉन। और ये देखो ये तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू सी दिख रही है, जरा इसकी भी हालत देख लो, इसका बोनट ही गायब है, आगे से ग्रिल व्रिल सब कुछ गायब है। और ये देखो अंदर से ये तो पूरी खोखली हो रखी है, ना डोर है ना डैशबोर्ड है, सीटें भी मिसिंग है। बेसिकली ये सारी एक्सीडेंटल कार्स होती है, जैसे ये देखो ये टायर बर्स्ट की वजह से ना पूरा एक्सीडेंट हो जाता है इसका। यहाँ पे लॉय वॉय तो इसका सही पड़ा हुआ है, बट टायर पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये देखो GLE अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी ना तो बिल्कुल नई नवेली पड़ी है ये देखो। और आगे वाली हालत, आगे वाली हालत ऐसी है कि पहचान पाना मुश्किल है कि भाई गाड़ी कौन सी है। ये देख लो ज़रा, बिल्कुल खोखली, बिल्कुल खाली, सिर्फ तारों के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। और इवन इस वाली जी वैगन में ना ब्रेबस वाले अलॉयज भी लगे हुए हैं भाई। अभी मेरी नज़र पड़ी, ऊपर भी जी वैगन लगा रखी है। इंडिया में 3.5 करोड़ की है, ऊपर से वेट अलग करना पड़ता है, और वेटिंग में भी मिल ही नहीं रही है, और यहाँ पे हाल देखो क्या हो रखा है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। यार मैंने ना अपने हिसाब से जितनी भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी, जितनी भी चीज़ें मैं दिखा सकती थी ना वो आपके साथ ने शेयर की है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर किसी को भी गाड़ी में इतना सा भी इंटरेस्ट है ना तो ये जन्नत है उन सब चीज़ों के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ आपको यूं ही यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगी। मैंने ना इस बार कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर किया है। एक चीज़ सोचो, अगर मान लो इंडिया में किसी को भी कोई चीज़ ज़रूरी चाहिए, जैसे मान लो आपके पास जी वैगन है, आपको उसका गियर बॉक्स चाहिए, इंडिया में ढूंढना नामुमकिन है, आप सीधा यहाँ पे आओ, किसी भी शॉप पे आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको मर्सिडीज का सामान मिलेगा और वो गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा, और इवन आने जाने का जो खर्चा है ना वो भी आराम से कवर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना ये बहुत अच्छी जगह है, सामान अच्छा मिल जाएगा और बहुत ही इजीली आपको मिल जाता है सस्ते प्राइसेस पे। और एक चीज और, लोकेशन का थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आपको। ये जो एरिया है शारजा में है, सज्जा स्क्रैप मार्केट नाम से कुछ एरिया आप सर्च करोगे आपको इजिली मिल जाएगी। अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह रेंट की है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे ना, मतलब बहुत ही खुला खुला पीसफुल एनवायरमेंट है, कोई भी आ सकता है। और आपने, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ये सब कितना ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।